हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। रांची जिला के तामड़ में स्थित प्राचीनकालीन दिउड़ी मंदिर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर रांची सांसद संजय सेठ पहुंचे हैं, जहां बुड़ू में ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। साथ ही दिउड़ी मंदिर पहुंचकर माता का पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर उनके साथ में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको याद चले कि संजय सेठ माता का दरबार लेने के लिए सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि रांची से हैं, जहां पर रांची के दिउड़ी मंदिर केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हुए थे और जहां पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जमकर स्वागत भी किया और साथ ही वो माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। खगड़िया लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के कई चौक चौराहों पर लोजपा के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता सहित एनडीए के कई कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। भागलपुर की सड़कों पर चिराग पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद के नारे लगे हैं। मौके पर राजेश वर्मा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुझ पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, इसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूँ और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता रहता है। और कार्य क्षेत्र पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्म भूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्म भूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, एनडीए के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस भीषण गर्मी में। खबर जहानाबाद से है, जहां पर मखदूमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोहड़ा चक में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है, जिसमें एक आदमी को हाथ में गोली लग गई है, जिससे आनंद फानंद में जहानाबाद सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जहानाबाद से है, जहां पर पुलिस घटनास्थल में पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई है। दरअसल जमीनी विवाद में गोलियां चली हैं और गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले का निपटारा करने में जुटी हुई है। कहाँ घर? घर से होड़ा चक्के टोला वाला पर बोला है। कहा हुआ है? है? कहा लड़ाई हुआ है? लड़ाई हो रहा है कि जगह जमीन ला डूबे वो आए थे कि नापी जो कि और ना हला हो जाए कोई खबारी बालू ले आवे जा था तू भाई अपने पर तो बहुत बात है कि कागज पत्र ला में तरना खेत ला पहने हो कागज पत्र सब के बात है। अब वो बोल ना ये कर मत बोल ना ना पता मार दे के बाबा बोले चला गया भाग गया गोली चला कर। हाँ, गोली चला के तीन को गाड़ी लेके निकल गए। मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत परहम कब्रिस्तान के समीप ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया गया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद सफिया सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में भी जुट गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक लखीसराय की ओर से आ रहा था, वहीं ट्रैक्टर मुंगेर की तरफ से आ रहा था और अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर में धक्का मारते हुए ट्रांसफार्मर को तोड़ते हुए कब्रिस्तान के दीवार से टकराकर पलट गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
ट्रैक्टर पर तीन ड्राइवर देकर करके तीन आदमी को इसने गाड़ी को ठोक कर करके तीनों आदमी घायल हो गया। ये गाड़ी बहुत दिन की टीम आकर कर करके कब्रिस्तान के पास जो ट्रांसफार्मर है उसमें ठोक कर करके अभी स्थिति तो ड्राइवर की पता नहीं घायल अवस्था में उसको जो है भेजा गया हॉस्पिटल। खबर बेतिया से है जहां पर लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग पर साइकिल से सामान खरीदने जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है जिससे साइकिल सवार जो है उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई और लगातार इंसाफ की मांग भी उठने लगी। आपको बताते चले कि पूरा मामला बेतिया से है जहां पर साइकिल को अज्ञात ने टक्कर मार दी जिसके बाद में बड़ा हादसा हो गया और हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार भी हो गया है। दरअसल साइकिल चालक जो है वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। साइकिल सवार अधेड़ था और इस दौरान मौके पर मौत हो गई है और वहीं लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लातेहार जिला के मनिगा प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों की मिली भगत से सामग्री खरीदने के नाम पर मनरेगा प्रशासनिक मद की लगभग 12 लाख रुपए गबन करने का मामला सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर मनिगा पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री और साथ ही लातेहार जिला के उपायुक्त को आवेदन देकर मामले में संलिप्त अधिकारियों और मनरेगा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। और इस मौके पर जिप सदस्य बलवंत सिंह ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में वर्तमान के अधिकारी हूं या फिर पूर्व की योजनाओं में सभी ने खेला करने का ही काम किया है, इसकी धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। मनरेगा प्रशासनिक मद का राशि जो है लोग सामग्री लेने के नाम पर जो है वस्तु की खरीदारी के नाम पर जो है 11,67,541 रुपया जो है बीपीओ और बीडीओ के संयुक्त हस्ताक्षर से जो है पैसा निकाल लिए गए। जबकि मैंने बीपीओ को पूर्व बीपीओ को और वर्तमान नाजिर को बुला करके मैं जानने का प्रयास किया कि यह जो राशि निकाली गई है जिस डेट में किस उद्देश्य से निकाली गई है, इसका भाउचर दिखाइए, इसका जो सामग्री है का खरीदारी किए उसको बताइए, तो साफ उन्होंने जो है बताने से जो है इनकार कर गए। कैमूर की एक्साइज और एंटी लीकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस मामले को लेकर पुलिस ने एक शराब से भरी कार का पीछा किया। इस दौरान कार जो है वो अनियंत्रित होकर बीच नहर में जाकर गिर गई जिसके बाद में पुलिस ने कार के अंदर से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है जबकि एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया और एक फरार अभी बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि शराब से भरी एक कार उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही थी जिसका पुलिस ने पीछा किया है और इस घटना के बाद नहर में गिरी कार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई है। भीड़ कहाँ बा? भीड़ बा जोन हो तो गाड़ी लेके दौड़ावत आई बा, दारू भरे बा, पलटी मारे बा, कई आदमी के मुँह आवे बच गई बा। अच्छा, के पीछा करतल ह? पुलिस। अच्छा, तो गाड़ी तेजी से भागत हल? हाँ, बहुत तेजी से, बहुत एकदम पूरा उड़त गई बा। हाँ, गाड़ी कहाँ पलटी मारले बा? मरले बा गाँव के बीच में, बीच के साइड नहर में।
खबर आपको बताते चले कि फुलवारी शरीफ से है, जहां पर बकरीद को लेकर फुलवारी शरीफ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष सफीर आलम ने की है। इसको लेकर फुलवारी शरीफ थाना में शांति समिति की मीटिंग की गई, जिसमें पूरे थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी लोगों द्वारा यहाँ पे अपना जो हर साल की समस्या होती है उसके बारे में अवगत कराया गया, उसका कैसे निदान होगा इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, और साथ ही साथ जो नमाज का टाइमिंग है उसके बारे में जानकारी लिए हैं। जहाँ पे भी जो नमाज है वहाँ पे 3 दिनों के लिए लगातार शिफ्ट वाइज फोर्स की प्रतिनियुक्ति, बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, पदाधिकारी भी वहाँ रहेंगे। लोगों से आह्वान किया गया कि कहीं भी किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी सूचना मिले तत्काल। शांति समिति की बैठक में आपको थाना प्रभारी महोदय ने सारे चीज बताई, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहेगा। हम लोग नगर परिषद की तरफ से पूरी साफ सफाई की व्यवस्था समस्त क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे पूर्व वर्षों में किया जाता रहा है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कहीं पर कोई गंदगी नहीं रहे, और क्विक जो है तुरंत उसको, अगर कहीं पर नजर भी आए तो उसको तुरंत उसका डिस्पोजल हो, और पथ प्रकाश की व्यवस्था। सरायकेला जिला के तिरुडी थाना क्षेत्र में बकरी ईद त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है, और बैठक की अध्यक्षता कुगड़ू प्रखंड के प्रभारी बीडीओ कीकू महतो ने किया है। और वहीं बैठक में तिरुलडी थाना प्रभारी आलमचंद महतो समेत शांति समिति के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। आज तिरुलडी थाना में हम लोग शांति समिति का बैठक रखे थे। 17 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा पूरा प्रखंड, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम लोग भाईचारा के साथ अच्छे तरह से एकजुट होकर शांति त्योहार मनाए, उसी के लिए हम लोग शांति समिति का बैठक रखे थे। मैं प्रखंडवासियों को बकरीद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि ये त्यौहार तो परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेता रहा। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर अनुमंडलीय अस्पताल में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगने के साथ ही धुआं उठता देखकर मरीज भागने लगे। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों और सिक्योरिटी गार्डों ने बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। मामले को लेकर प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुराना वायरिंग होने के कारण ही शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लगी है। आग को बुझा दिया गया है और घटना में कोई भी हताहत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वायरिंग के लिए सीएस को जानकारी भी दी गई, जो कि बहुत जल्द दुरुस्त भी कर ली जाएगी। भोजपुर जिले के डीएम महेंद्र कुमार का विदाई समारोह और नए डीएम राजकुमार का स्वागत समारोह चंदवा स्थित ग्रीन हेवन रिजॉर्ट में संपन्न हुआ है। मौके पर सभी पदाधिकारी ने पूर्व डीएम महेंद्र कुमार को अंग वस्त्र और पुष्प देकर सम्मानित भी किया, और वहीं एक ही मंच पर वर्तमान डीएम राजकुमार को भी अंग वस्त्र और साथ ही पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रतीक, समाजसेवी संजय महासेठ, नगर आयुक्त निरोज भगत, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी नूर एहसन सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। उससे काम आपको लेना ही लेना है, कंपल्सरी है कि आपको उससे काम लेना ही लेना है। जो लंबे समय तक जैसे मैं था तो मुझे पता था कि किसे कौन उसमें काबिलियत है, और उसके बीच काम लेना आसान हो जाता है, लेकिन महेंद्र ने आके इतने अच्छे से। महिला कला केंद्र आरा के सभागार में बिंदी इंटरनेशनल फाउंडेशन राजस्थान के सहयोग से भोजपुर जिले के सदर अस्पताल के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल स्वास्थ्य केंद्र में कुल 37 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर और थर्मोन का वितरण किया गया है। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें अगर आप रेगुलर इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ये बिजली से चलता है, आप अपने इन्वर्टर हो चुका है तो इन्वर्टर से भी चलने वाला ये संयंत्र है,
जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है, बहुत ही मामूली एनर्जी का कंजम्पशन होता है। और खबर कैमूर जिले से है जहां पर खाते में रुपए आने की अफवाह पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। पूरे मामले पर पार्षद प्रतिनिधि रविकांत ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,00,000 दिए जाने के मामले को लेकर महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची। भीड़ देखकर इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दी गई है। जी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई आप यहाँ? क्या है कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि बड़ा भीड़ है, तो हमें लगा कि जो समूह का चलता है उसमें परपस से लोग आते होंगे। आज हम देखें तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोगों से पूछे कि भाई किस लिए आप लोग आई हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1,00,000 रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया? यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा, ये बिल्कुल ही कोई अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ते तापमान और गर्मी को लेकर सभी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, लेकिन पूर्वी चंपारण के कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो केवल अब कागजों पर काम कर रहे हैं। धरातल पर केवल खंडहर बच गया है। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के कटगाह पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर जिसका निर्माण काफी सालों पहले किया गया था। डॉक्टर से लेकर नर्स और कंपाउंडर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन अस्पताल के नाम पर टूटे फूटे मकान खंडहर होने के कारण डॉक्टर से लेकर कर्मचारी महीने में एक बार हाजिरी बनाने आते हैं। स्वास्थ्य उप केंद्र है और बहुत पहले से है यहाँ पे। पहले डॉक्टर रहता था, नर्स और कंपाउंडर सब, दवा ववा सब मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है 10-15 साल से कि अब इसका घर भी टूटते जा रहा है। यहाँ कोई जो डॉक्टर आते हैं हैं कि नहीं है पता नहीं चलता है। सभी डॉक्टर भी आता है, जंग महीना 2 महीना पे आता है, कभी एक बार जंग डब्बा धरता है, एक हरा सा डब्बा धरता है, उसमें पोलियो वाला दवा रखता है, और वो थोड़ा थोड़ा नाम लेकर गांव में आएगा, 2-3 गो डॉक्टर के लेकर नर्स के गांव में हाजी बना देगा, लड़का सबका भाग जाता है। यहाँ रहता नहीं है, और हमारे हॉस्पिटल के राजनीतिक के द्वारा कैसे कौन कर्मचारी के द्वारा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कि सरकार द्वारा ये हमको ये हॉस्पिटल के ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे 2-3-4 साल के थे, हम लोग 5 साल के, उस समय हम लोग के इसमें से ग्लूकोज मिलता था, दवा भी मिलता था। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 1.5 दर्जन लोगों के मोबाइल जो खो गए थे या फिर बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे, उनके मोबाइल अब पुलिस ने खोज निकाले हैं। मैं पहले भी 2-3 फोन घूम चुका था, लेकिन अब तक कभी मिला नहीं है, पहली बार। उम्मीद तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जो फोन मिल गया। खबर मुंगेर से है, जहां पर भीषण उमस भरी गर्मी और तपती धूप में शिव भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर बाबा बैजनाथ धाम और पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। शिव भक्त रंजन कुमार ने बताया कि हम लोगों के कांवड़ यात्रा का इस बार 6ठा साल है, और इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र संत को बनाना। इस कांवड़ यात्रा में गांजे बाजे और साथ ही ढोल नगाड़े के साथ में सभी लोग पैदल झूमते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि इस मौके पर सैकड़ों से अधिक कांवड़ियों के लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बताते चले कि विश्व रक्तदान दिवस पर नालंदा में शिविर का आयोजन हुआ है। सदर अस्पताल ब्लड बैंक के सौजन्य से शांति दूत ट्रस्ट द्वारा संचालित डीपी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गौतम ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने रक्तदान की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। के अंतर्गत शांति दूत ट्रस्ट के माध्यम से डीपी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, तो इसके उपलक्ष्य में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है आज। इसमें करीब स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिला के 30 से 35 बच्चों ने और स्टाफ ने अपना योगदान दिया।
लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो ब्लड बैंक? मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह के हमारे देश के हालात हैं कि कई लोग रक्त की कमी की वजह से किसी बीमारी में जो है अपनी जान को खो देते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में, और कई माताएं शिशुओं को जन्म देते वक्त कई सारी ऐसी ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से जब उनको प्लेटलेट काउंट जैसे डेंगू जैसी बीमारी बड़ी आम हो गई है। इस तरह से हमारे कैंपस डीपीसी इंस्टीट्यूट में आज रक्तदान महाशिविर लगाया गया था, जिसमें हम लोगों ने, हम बच्चों ने और हमारे टीचर्स और हमारे बहुत सारे बच्चों ने हम ब्लड डोनेट किया है। इसे हम लोग को भी बहुत सारे बेनिफिट है और जो हम जिनको ये ब्लड मिलेगा उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि हमारे बॉडी से अगर हम लोग हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं रूटीन वाइज, तो हम लोग बॉडी अंदर से बहुत हल्का और अच्छा होता है और टॉक्सिसिटी भी हमारे बॉडी से कम है। और जिन लोगों को कभी ब्लड की जरूरत हो जो इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आरटीए का केस होता है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ब्लड का जरूरत होगा, तो उन्हें हम ये ब्लड प्रदान कर सकते हैं ताकि उनके इमरजेंसी कंडीशन में हम उनको ये सुविधा प्रोवाइड कर सकें। नगर निगम सासाराम में इन दिनों विकास कार्यों के बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। एक तरफ जहां पर मेयर समेत कुछ वार्ड पार्षद नगर आयुक्त पर विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा रहे, तो वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त के पक्ष में खड़े उपमेयर सहित कुछ वार्ड पार्षद मेयर पर ही शहर की अपेक्षा का आरोप मल रहे हैं। दरअसल इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में शहर के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। डिसीजन होता है उसको वहाँ प्रोसीडिंग पे बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, घर में मनमाने ढंग से लिखा जाता है। जो योजनाएं बोर्ड में पास हो जाती है उस योजनाओं को रद्द करके सशक्त स्थायी समिति में अपने द्वारा अपने सुविधा के अनुसार अपने ठेकेदारों के अनुसार जो जैसा है उसके अनुसार उसको लिखा जाता है, किया जाता है और उसको पारित किया जाता है उस योजना को। शुरू से ही देखते हैं कि मेयर का ही गलती रहता है, मगर हमको बगलाया, ये किया और नगर आयुक्त पे हमसे केस करवाया। उसके बाद वो एक छोटा सा मामला था वीडियोग्राफी का, कुछ ऐसा बात नहीं था, उस पर लेकर वो पूरा हंगामा किया और फिर वीडियोग्राफी करवा ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। लातेहार जिले के बरवाडीह लातेहार जिले में शुक्रवार का रात भीषण रेल हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, 5 लोग भी घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आपको बताते चले कि रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही कुमजी स्टेशन के पास पहुंची, किसी ने हल्ला मचा दिया। रांची सासाराम एक्सप्रेस वहां खड़ी हुई है और खड़ी होने के बाद डाउन में एक लॉन्ग हॉल जा रही थी, डाउन गुड्स ट्रेन, तो खड़ी होने के बाद कुछ लोग पटरी पर आ गए थे और उसी समय वो डाउन थ्रू थे, डाउन गुड्स, और उसी में ये घटना दुर्घटना हुई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और तुरंत हम लोग मेडिकल टीम लेकर बरवाडीह से वहां पहुंचे। जहानाबाद के सदर अस्पताल का निरीक्षण डीएम अलंकृत पांडे ने किया है। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे की तरफ से सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है, कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम सदर अस्पताल अव्यवस्थित पीक्यू वार्ड का निरीक्षण किया, पीक्यू वार्ड के ड्रेसिंग रूम और इमरजेंसी रूम का निरीक्षण किया गया है। कमियों से ज्यादा यहाँ पर अभी प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो मानने लायक भी है हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से, वो ये है कि चूंकि यहाँ पर नए परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से कुछ जगह की कमी है। जगह की कमी के चलते कुछ इनको सामान रखने में, स्टोर करने में दिक्कतें हो रही हैं, जगह प्रॉपरली रूम्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग और कौन से ऐसे परिसर हैं जिले में जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर प्रॉपर वार्ड्स को, पीकू को और अन्य इमरजेंसी के बेड्स वगैरह की स्पेस को यूटिलाइज ना करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।